गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 4 इन इंग्लिश ग्रामर विच इज नाउन. नाउन नंबर. अब हम नाउन के नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि नाउन के को कैसे नंबरिंग डिफाइन करते हैं. तो नाउन टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. सिंगुलर नाउन क्या होता है? अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब एक नाउन के बारे में बात होती है, यानी कि एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, या एक प्लेस के बारे में बात हो रही है, या एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, या एक थिंग के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर नाउन कहलाता है. जैसे अ लिजर्ड क्रॉल्स ऑन टॉप ऑफ द रॉक. लिजर्ड के बारे में बात हो रही है तो ये नाउन है. एक डिनोट करता है कि एक है, तो ये क्या है? सिंगुलर नाउन है. कह रही है कि लिजर्ड क्रॉल कर रही है कहाँ पर? रॉक के टॉप पे. तो लिजर्ड एक है, इसलिए ए का यूज हो रहा है. उसके बाद रॉक भी हमारा नाउन है, ठीक. तो रॉक को डिनोट किया जा रहा है, ये डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है. इसके बाद प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब बच्चों एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात होती है, या पर्सन के बारे में बात होती है, या प्लेस के बारे में बात होती है, या एनिमल के बारे में बात होती है, तो वो कहलाते हैं प्लूरल नाउन. फॉर एग्जांपल, टू रैबिट्स रैन थ्रू द बुशेस. दो रैबिट दौड़ के गए कहाँ से? झाड़ियों से. अब यहाँ देखिए रैबिट का क्या है? रैबिट्स है. रैबिट मोर देन वन है, इसलिए रैबिट्स हो गया. और बुशेस यानी कई सारी झाड़ियाँ हैं, इसलिए बुश का क्या हो? एक होती तो बुश होता, और एक से ज़्यादा है इसलिए बुशेस. अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के. अगर सिंपल वर्ड्स हो तो हम खाली सिंगुलर को किस में सिर्फ ऐड करना है एस. हम वर्ड में नाउन में एस ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं. जैसे ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा? ट्रीज. बॉल, बॉल्स. शर्ट, शर्ट्स. बॉय, बॉयज. बुक, बुक्स. पार्क, पार्क्स. इसी तरह सिर्फ हमने सिंपली इसमें क्या ऐड किया? एस ऐड किया सिंगुलर में, और हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस आता है पहले से ही, या डबल एस आता है, या जेड आता है, या एक्स आता है, या एस एच होता है, या सी एच होता है. तो हम इसका प्लूरल कैसे फॉर्म करते हैं? इनके लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं. जैसे गैस, इसमें ऑलरेडी एस था तो हमने इसमें क्या कर दिया? सिर्फ ई एस लगा दिया, तो ये क्या हो गया? गैस का, गैसेस. तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म हो गया. बस यहाँ पर डबल जेड है, इसमें भी हमने ई एस ऐड कर दिया, तो ये हो गया बजेस. बॉक्स, एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पर ई एस ऐड कर दिया. बॉक्सेस. डिश, एस एच है, ई एस ऐड कर दिया. डिशेस. क्लास, अब डबल एस ऑलरेडी आया तो हमने ई एस ऐड किया लास्ट पे, तो ये हो गया क्लासेस. ब्रांच, ब्रांचेस. बुश, बुशेस. मॉस, मॉसेस. तो बच्चों जिस वर्ड में, जिस नाउन में पहले से एस होगा, या डबल एस होगा, या जेड होगा, या एक्स होगा, या एस एच होगा, या सी एच होगा, तो हम उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए ई एस ऐड करते हैं उस वर्ड में, तो ये हमारा प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. हम नेक्स्ट रूल इज नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग y टू ies. अब हमारे नाउन वर्ड जैसे ये है, इसमें y से एंड हो रहा है, और y के पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है. जब ऐसा हो तब हम क्या करते हैं? y को हटा देते हैं और ies को ऐड कर लेते हैं. ये सेकेंड वर्ड हमारा है सिटी. सिटी में y लास्ट में है, और उससे पहले कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट मतलब जो हमारे वॉवल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं.
हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू के अलावा जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा करके आई ई एस ऐड करते हैं। अगेन आर्मी, आर्मीज, बेबी, बेबीज, लॉरी, लॉरीज, फ्लाई, फ्लाइज, फेरी, फेरीज, करी, करीज, सब में वाई को हटा दिया गया और हर वर्ड में वाई से पहले कॉन्सोनेंट था इसलिए आई एस लग गया। नेक्स्ट इज नाउन्स एंडिंग वाई प्रिसीडेड बाय अ वॉवल फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। अब कह रहा है कि जो नाउन वाई से एंड तो हो रहे लेकिन उससे जस्ट पहले वॉवल का यूज हुआ है तो वहां पर सिर्फ एस यूज होता है। जैसे बॉय, बॉय से पहले बॉय एंड हो रहा वाई से, वाई से पहले ओ है। अभी हमने आपको बताया वॉवल में ए ई आई ओ यू आते हैं तो ओ है, ओ हमारा वॉवल है। तो जिन वर्ड्स में जो वर्ड्स एंड हो रहे वाई से लेकिन वाई से पहले वॉवल है तो उसके लास्ट में क्या हो जाता है? सिर्फ एस ऐड हो जाता है तो इसलिए वो प्लूरल फॉर्म हो जाता है। सेम हियर वाई से पहले ए है इसलिए डे का क्या हो गया? डेज। की के लिए वाई से पहले ई है तो ये क्या हो गया? कीज। रे, रेज। टॉय, टॉयज। ट्रे, ट्रेज। ओके नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ नाउन एंडिंग इन ओ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। अब जो वर्ड्स, जो नाउन्स ओ से एंड होते हैं, ठीक, ओ से एंड हो रहे हैं और उनके एंडिंग से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें सिर्फ क्या ऐड करना होता है? ई एस ऐड करना होता है। जैसे हीरो, हीरो एंड तो हो रहा है ओ से लेकिन उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है यानी कि आर, तो इसमें क्या हो जाएगा? ई एस ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हीरोज। ग्रोटो, ग्रोटोस। टोमैटो, टोमैटोस। इको, इकोस। जीरो, जीरोस। पोटैटो, पोटैटोस। इफ अ नाउन एंड्स इन ओ वी एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अब क्या, अब खाली ए ओ से एंड हो और उससे पहले वॉवल हो तो क्या होना चाहिए? सिर्फ एस ऐड होना चाहिए, होता है। कैसे? जू, जूस। वीडियो, वीडियोस। ओ से पहले देखिए ई है इसलिए इसमें सिर्फ एस ऐड हुआ है। रेडियो से रेडियो में ओ से पहले आई है, ये भी वॉवल है तो इसमें एस ऐड हुआ है। नेक्स्ट कुछ प्लूरल ऑफ वर्ड्स दैट एंड इन एफ और एफ ई यूजुअली चेंज द एफ साउंड टू वी साउंड एंड ऐड एस ई एस, एस और ई एस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? वो वी साउंड में चेंज हो जाते हैं और उसमें एस या ई एस लग जाता है। जैसे नाइफ, नाइफ एंड किससे हो रहा है? एफ ई से हो रहा है। ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? नाइव्स। इसमें वी ई एस ऐड हो जाएगा। ऐसे ही लीफ, लीव्स। हूफ, हूव्स। लाइफ, लाइव्स। सेल्फ, सेल्फ्स। एल्फ, एल्फ्स। लेकिन इसमें क्या है? और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं एफ से या एफ ई से, वो हम सिंपली उसमें एस ऐड कर लेते हैं। वो क्या है? चीफ, चीफ्स। बिलीफ, बिलीव्स। सेफ, सेव्स। क्लिफ, क्लिफ्स। कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिसमें ई एन और आर ई एन ऐड करने से वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्स में ई एन वो ऐड कर दिए तो ऑक्सिन। चाइल्ड, चिल्ड्रन। सम नाउन्स फॉर्म्स इररेगुलर। कुछ नाउन्स होते हैं ऐसे जो इररेगुलर होते हैं, जैसे उनकी पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है उनका प्लूरल करने में। टूथ का टीथ, फूट का फीट, मैन का मिन, माउस माइस, गूस गीज, लाउस लाइस। सम नाउन्स हैव नो सिंगलर्स और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगलर नहीं होता, जैसे सीजर्स, सीजर्स। हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसका सिंगलर वर्ड नहीं लिखा जाता। स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। सीढ़ी एक कोई नहीं होती, कई सारियाँ होती हैं। टॉम्स, ट्राउजर। ठीक, अब हम एक्सरसाइज पे अपनी आते हैं। इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट वाली में
टेल इफ द फॉलोइंग नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल, हमें ये नाउन्स देखने हैं और बताना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे फर्स्ट वाला है तो ये हमारा ऑक्स, ऑक्स हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। सेकेंड कैट्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, पी। थर्ड पेन, पेन हमारा सिंगुलर है इसलिए एस। फोक, फोक्स है फिर प्लूरल है। बुक्स है प्लूरल है। चेयर सिंगुलर है। डेस्क सिंगुलर है। हाउसेस प्लूरल है। पेपर सिंगुलर है। वैगन सिंगुलर है। लैम्प्स सिंगुलर है। शूज, सॉरी लैम्प्स हमारा प्लूरल है। शूज प्लूरल है। गार्डन सिंगुलर है। हॉर्सेस प्लूरल है। ड्रेस सिंगुलर है। डॉग सिंगुलर है। कार्ट्स प्लूरल है। किचन सिंगुलर है। पोनी सिंगुलर है। क्लास सिंगुलर है। ओके okay?